इंदौर नगर निगम 2024-25 का बजट सत्र 2 दिन चला। इस 2 दिन में विपक्षी सदन में जमकर हंगामा किए। कल उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज प्रश्नकाल में भी उन्होंने फिर हंगामा किया। लेकिन हंगामे के चलते सभापति मुन्नालाल यादव ने इस बजट को अपनी सहमति देते हुए बजट पास कर दिया। हंगामेदार रहा इंदौर नगर निगम के बजट का दूसरा दिन। प्रश्नकाल के बीच हंगामे की वजह से नहीं हो पाई सार्थक चर्चा। विपक्षियों ने आज फिर सदन में की जोर जोर से नारेबाजी। हंगामे के बीच दोनों पक्षों ने मिलकर घेरी सभापति की आसंदी। सभापति को 2 बार स्थगित करना पड़ गई सदन की कार्यवाही। विपक्षियों के हंगामे के कारण नहीं हो पाई बजट पर सार्थक चर्चा। नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी कर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर पूरे सदन की मर्यादा भंग कर दी। सभापति को बोलने तक नहीं दिया, सभापति की आसंदी घेर ली, उनके सामने धरने पर बैठ गए। सभापति को 2-2 बार बैठक स्थगित करनी पड़ी। आज इस बजट पर सदन में चर्चा की जानी थी, जो विपक्षियों की हरकतों के कारण हो नहीं पाई। हंगामे के चलते सभापति मुन्नालाल यादव ने इस बजट को अपनी सहमति देते हुए बजट पास कर दिया। आज बजट सत्र में प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के पार्षदों के प्रश्न नहीं लेने पर जमकर हंगामा किया। सदन में महापौर ने कहा, अगर कल के मामले में जिसमें दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के समय कांग्रेस पार्षदों ने जो हंगामा किया, अगर इस पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष खेद व्यक्त करते हैं तो प्रश्नकाल पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। इसी दौरान सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। हंगामे के दौरान अपील समिति के अध्यक्ष भारत रघुवंशी मंच पर गिर गए। हंगामे के कारण 3री बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लगातार बार बार और हंगामे के बीच में सभापति ने बहुमत के आधार पर 8200 करोड़ का बजट पास कर दिया। इंदौर नगर निगम 2024 और 25 का बजट 8200 करोड़ का पास हुआ है। कांग्रेस पार्षद दल इसे लेकर लगातार विरोध करते रहे, लेकिन बहुमत के आधार पर बजट पास कर दिया गया। मामले में कांग्रेसियों का कहना है कि विपक्ष के साथ अन्याय हुआ, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई और शहर के हित में जो बजट पेश किया गया उसको लेकर विपक्ष अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन विपक्ष को नकारा गया। सभापति बोले, मैंने बहुत प्रयास किया। सभापति मुन्नालाल यादव ने कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन 2 बार बैठक स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा, विपक्ष की कुछ गलतियां रही हैं जिसके कारण सभी सदस्यों में आक्रोश देखा गया। वहीं अन्य एमआईसी सदस्यों का कहना था कि जब विपक्ष ने बजट वाचन सुना ही नहीं तो सवाल जवाब कैसे करते। इसी को देखते हुए बहुमत के आधार पर बजट पास किया गया। सभापति जी, आज जो बजट पेश हुआ है उस पर जिस तक चर्चा होनी थी, बिना बहस के ही पूरा बजट जो है पास कर दिया गया है, क्या कोई वजह रही इसकी? परिस्थितियां तो देखो सब आप लोगों ने लाइव देखी, और मैंने तो पूरा प्रयास किया और 2 बार बैठक स्थगित करके पुनः मौका दिया। बाकी सदस्यों में विपक्ष के कुछ गलतियां रही हैं कि जिसके कारण सारे सदस्यों में रोष रहा, जिसका उन्होंने तत्काल विरोध किया। उनका कहना था कि जब इन्होंने बजट सुना ही नहीं और बजट का बहिष्कार करके ये लोग सारे बाहर चले गए थे, तो फिर बजट में बहस के मुद्दे पर इस बात को लेकर रोष था, और इसीलिए बजट बहुमत के आधार पर सारे सदस्यों की मांग अनुसार किया गया। सत्ता पक्ष की वजह से बहस नहीं हो पाई कुल मिलाकर ये मान लिया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही की भी बहस नहीं हो पाई, और दोनों को मौका दिया गया था और मौका उसके कारण ये पास हुआ। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव से जब सवाल किया कि बिना बहस के ही बजट पास कर दिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत है कि वो हर बात पर आपत्ति लेती है। जो शहर हित के लिए बजट आया है उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी, लेकिन विपक्ष अपनी बात रखने की जगह हंगामा करना शुरू कर देता है। विपक्ष ने बजट भी नहीं सुना और हंगामा कर दिया। सिर्फ विपक्ष का काम विरोध और हंगामा करना ही है। आज बजट को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन जब विपक्ष ने बजट सुना ही नहीं तो वो चर्चा किस प्रकार करेंगे, इसीलिए वो हंगामा करने लगते हैं। आज ये बजट पास हुआ है जो शहर हित में है और शहर में इससे विकास होगा। देखिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम की सदन में विपक्ष केवल हताशा, निराशा, चिड़चिड़ेपन के साथ हंगामा करने के उद्देश्य से आता है। जिस विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा का सम्मान नहीं किया हो, जिस विपक्ष ने बजट सुनने तक की सहमति ना दी हो, और आज भी
जिस हंगामे के साथ सदन के माहौल को खराब करके वो सदन चलाना चाहते थे बिना खेद प्रकट किए, वो सदन ने बहुमत से सर्वसम्मति से संशोधनों के साथ बजट को और जितने एजेंडा थे उन सबको पारित करने का काम किया। बहस को लेकर नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चूंकि वो जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके ऊपर अपना विरोध जताना चाह रहे थे, इस वजह से उन बहस नहीं हुई। मेरा उनसे और आप सबके माध्यम से एक सीधा और सरल प्रश्न है कि जिस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव कल आया था उसको जिसने सुना नहीं वो क्या उस पर बहस करेंगे। मुझे बहुत हंसी आई और दुख भी हुआ जब उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने बाहर बैठ के और अपने घर पे बजट सुन लिया। ये सदन पार्षदों के घर पे बैठने के लिए नहीं है, सदन में बैठने के लिए। सदन में बैठ के सुनते, उसके भाव को समझते और उस भाव से बहस करते, माफ़ी मांग के हम सब तैयार थे। नहीं, कल सदन में सभापति जी ने कहा था या तो आप तख्तियां बाहर ले जाओ। तख्तियां सदन में लेकर आना सदन का अपमान है और सभापति जी ने व्यवस्था दी थी कि या तो 5 मिनट में आप तख्तियां बाहर करो या आप स्वयं बाहर हो जाओ। अब विपक्ष ने खुद बाहर होना तय अपनी मर्जी से किया तो आज उनको खेद प्रकट करने के लिए कहा, इसमें कहां भेदभाव है। महापौर जी, कांग्रेस का बजट आया था 650 करोड़ का, उस पे भी कांग्रेस प्रश्न उठा रही है, उसने कहा कि उसका क्या हुआ, उसका तो जवाब दो। देखिए समस्या ये है कि कांग्रेस बाल बुद्धि से काम करती है। जब भी कोई वार्षिक बजट आता है वो फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रख के आता है। इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इसी बजट प्लानिंग से लगातार आ रहा है। इंदौर शहर क्लीन एयर में देश का नंबर 1 शहर है। लगातार अमृत पानी और ड्रेनेज के काम जारी हैं। तो एक साल का बजट प्लानिंग का बजट होता है, उसमें लिए हुए जो लक्ष्य होते हैं वो अपने तय समय में पूरा करने। जैसे उदाहरण के लिए 23 मास्टर प्लान की बजट सड़कें इस बजट के माध्यम से बनेंगी, तो वो इसी साल में बन जाएंगी ऐसा नहीं है, उसका टाइम पीरियड है 3 साल। तो इसलिए वो बाल बुद्धि से प्रश्न करते हैं, उनको समझना होगा कि कोई काम यदि हमने लिया है तो वो कितने सालों के लिए लिया है। तो एक तो समझ के परे, और बजट समझने के लिए बजट सुनना पड़ता है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर बहुत ईमानदारी से साफगोई से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परिषद ने जीरो टॉलरेंस रखा है। हमारे GIS मैपिंग के निर्णय के कारण जो बरसों से घोटाला चला आ रहा था उसको पकड़ने का काम किया है, उसके दोषी आज जेल के पीछे हैं। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार जो नगर निगम के साथ धोखा कर रहे थे उन सब की ठेकेदारी ब्लैकलिस्टेड हुई है। तो ये कठोर निर्णय लेने का काम इस सदन ने किया है, इस परिषद ने किया है। टैक्स बढ़ाने का निर्णय भी कठिन ज़रूर हो सकता है, कठोर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंदौर के भविष्य के लिए है। 2011 के बाद देश में हर चीज़ के भाव बढ़े, इंदौर में नए 29 गांव मिले, उनको यदि संचालित करना है तो टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर जाके करना होगा। मैं उन सब लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने केवल टैक्स नहीं बढ़ाया, अपने खर्चे कम किए। पिछले 1.5 साल में खर्चा कम करके 30 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा इनकम करके दिखाई है। तो इन सब मैनेजमेंट के आधार पर हम ताकत से आज कह सकते हैं कि 2021 तक का बकाया, जो 2014 के भी बिल थे, उनको 31 अगस्त तक बकाया चुका देंगे। और मैंने जितनी घोषणाएं बजट में की हैं उनके या तो टेंडर लग गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या आने वाले 15 दिनों में लग जाएंगे। वहीं मीडिया से चर्चा में चिंटू चौकसी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि महापौर ड्रेनेज और सड़क घोटाले आदि को लेकर जवाब दे। ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा, निगम को आपने कंगाल कर दिया। चिंटू चौकसी ने कहा, हमने पहले इस बात का जवाब मांगा था लेकिन हमें सदन से बाहर कर दिया। आज भी हम बजट पर सार्थक चर्चा करने वाले थे लेकिन प्रश्नकाल में हमारे पार्षदों के प्रश्न नहीं सुने गए। चिंटू चौकसी ने कहा कि मेरी बातों को भी नहीं सुना, कल हम बात नहीं सुन रहे थे तो हमें बाहर कर दिया था, लेकिन आज भाजपा के सदस्य बात नहीं सुन रहे थे तो उन्हें बाहर करना था। उन्होंने कहा, विपक्ष की आवाज को दबाकर सभापति ने पूरे शहर की जनता के साथ अन्याय किया है। कल हम लोगों ने महापौर जी बजट पेश करने वाले थे, उससे पहले हमारी मांग थी कि शहर ने जो भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं
पहले महापौर जी ड्रेनेज घोटाले को लेकर जवाब दे, सड़क घोटाले को लेकर जवाब दे, शहर के गड्ढे को लेकर जवाब दे, गर्मी में जो पानी नहीं मिला उसको लेकर जवाब दे, ठेकेदार को पेमेंट्स नहीं हो रही, किसी वार्ड में कोई काम चालू ना उसको लेकर जवाब दे, नगर निगम को आपने कंगाल कर दिया, पहले उसका जवाब दे। शहर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि 174 फाइलें गायब हो, वो कहाँ है? सड़क के सरकार फर्म वाले सड़क के ठेकेदार के खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं रही? उसके बाद हम बजट पे सार्थक चर्चा करेंगे। तो कल जब हम इस पे विषय में बात करना चाह रहे थे तो हमको बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया सभापति जी ने। आज जब हम सार्थक चर्चा के लिए बजट पे पूरी तैयारी करके गए तो हमारे प्रश्नकाल में भी, हमारे पार्षदों के प्रश्नकाल भी नहीं सुने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, महापौर जी ने पूरे निर्देशित कर रखा था। जब मेरा नंबर आया भाषण देने का, ये बात रखने का, तब भी इन लोगों ने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना, सारे लोग चिल्ला पुकार। मैंने सभापति जी को बोला कि कल जब हम नारेबाजी कर रहे थे या महापौर जी की बात नहीं सुन रहे थे तो आप लोगों ने हमको बाहर कर दिया, आज ये भाजपा के लोग कर रहे थे इनको बाहर करो। लेकिन पूरा अन्यायपूर्ण निर्णय हुआ, सभापति जी ने पूरा अन्याय करा, इंदौर शहर की जनता देख रही है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महापौर और नेताओं के दबाव में अन्यायपूर्ण निर्णय लिया। आज बजट पे पूरी सार्थक चर्चा होना थी, उसी चर्चा के लिए हम आए थे कि आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे। लेकिन हम भ्रष्टाचार हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जलकर संपत्ति कर जो बढ़ाया है उसका हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं और सदन से लेकर सड़क तक लगातार इसमें आंदोलन हम इंदौर शहर की जनता के साथ करते रहेंगे। बहरहाल 2024-25 के बजट में शहर के विकास के कई प्रावधान रखे गए। बजट में शहर के डिजिटलाइजेशन को लेकर कई प्रावधान रखे गए। डिजिटलाइजेशन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते शहर के 150 स्थानों को चिन्हित किया गया जिन्हें फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए 5 स्थानों पर आधुनिक हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा शहर फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को भी शहर में से हटाया जाएगा। वहीं बढ़ते शहर को देखते हुए शहर के अलग अलग 4 स्थानों पर चांद चौपाटियां भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा छात्रों को AICTSL से सफर करने पर 25% की छूट दी गई। वहीं आशा उषा कार्यकर्ता और अन्य शासकीय महिला कर्मचारियों को यात्रा के लिए बसों में 75% की छूट का प्रावधान किया गया। वहीं लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वार्ड में ओपन जिम्नेशियम बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा शहर में जल प्रबंधन के लिए 2 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इस सभी घोषणाओं सहित अन्य कई शहर और जनहित की घोषणाओं के साथ सदन का समापन हुआ।